लोकसभा चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। इसके मद्देनजर पार्टी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम को धार देना शुरू कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी इस कार्यक्रम पर काम कर रही है। वहीं आज दिल्ली में भी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने खुद को और मजबूती देने के लिए मशहूर डांसर सपना चौधरी को अपने साथ जोड़ा है। हरियाणा की डांसिंग क्वीन सपना चौधरी जब भी स्टेज पर उतरती हैं, धमाल मचा देती हैं। हजारों की भीड़ उनका डांस देखने के लिए बेकरार रहती है। लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली सपना अब राजनीति के मंच पर भी जलवा बिखेरने को तैयार है। जी हां, सपना चौधरी अब नेता बन गई हैं। दिल्ली में आज सपना ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी की सदस्यता हासिल की। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी महासचिव रामलाल और दिल्ली बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद थे, जहां उन्होंने सपना को सदस्यता दिलाई। यानी साफ है कि आज के बाद सपना अब नेतागिरी भी करती नजर आएंगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भी सपना चौधरी के कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। मगर उस वक्त सपना ने तमाम बयानबाजियों को खारिज करते हुए बीजेपी के लिए प्रचार करने का फैसला लिया था। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपना ने उत्तर पूर्व दिल्ली से उम्मीदवार मनोज तिवारी और भोजपुरी गायक खेसारी लाल के लिए वोट मांगा था। वहीं अब जब राजधानी दिल्ली और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो उससे पहले ही बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए सपना को अपने पाले में ले लिया है। सपना की फैन फॉलोइंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये फायदे का सौदा होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।